सो गाइस, Realme 3 Pro, Realme 5 Pro, Realme X और Realme X3 ये चार फोन ऐसे हैं जहां पर आपको Realme UI 2.0 का अपडेट देखने को मिला है। साथ ही साथ ये फोन Android 11 पे स्विच किए हैं। अब इन फोन्स में जब से ये फोन स्विच हुए हैं Android 11 पे, बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर स्टटर देखने को मिल रहा है, लैग देखने को मिल रहा है, ऐप्स क्रैश हो रही हैं, बहुत सारे ब्लॉटवेयर देखने को मिल गए हैं Realme UI 2.0 के बाद। और फ़ोन तो मतलब पबजी खेलना तो भूल ही जाओ भाई, इतना ज़्यादा हीट कर रहा है, चार्जिंग की स्पीड तक स्लो हो गई है इसमें। तो अभी इसमें काफ़ी सारे इश्यूज आ गए हैं Realme UI 2.0 के बाद, और दो अपडेट भी उसके बाद आ चुके हैं, लेकिन ये जो इशू है वो वैसा का वैसा ही है, इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। अब इस फ़ोन में कैसे आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो, उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप चारों फ़ोन में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। और आपको पता है कि इसमें जो ब्लॉटवेयर्स आ रखे हैं, इनको आप डायरेक्टली अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। अब इनको अनइंस्टॉल करने के लिए आपको एक अलग से तरीका अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। वैसे अगर अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। अब यहाँ पर आपको मैं अनइंस्टॉल करने का तरीका बताने लगा तो थोड़ा सा लंबी हो जाएगी वीडियो, बट यहाँ पर मैं आपको ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस जो यूट्यूब पे हैं वो पड़ी हुई हैं, तो इसलिए मैं वहाँ से एक लिंक आपको उठा करके दे रहा हूँ जो कि मुझे परफेक्ट वीडियो लगी। अगर आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहा हूँ। आपको इस स्टेप में बता दे रहा हूँ, आपको एक पीसी चाहिए होगा या फिर लैपटॉप चाहिए होगा, और आपका फ़ोन तो मतलब है ही है, डेटा केबल चाहिए होगा, वो आपके चार्जर में लगा हुआ है। तो आपके फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन ऑन होना चाहिए और उसमें USB डिबगिंग को ऑन कर लेना है। साथ ही साथ आपको अपने पीसी में, मतलब इसका प्लेटफॉर्म की लिंक भी मैं डाल दूंगा, जो आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा अपने लैपटॉप में, आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना है अपने लैपटॉप में जो कि ADB का है, उसको इंस्टॉल कर लेना है और उससे कोडिंग वगैरह थोड़ी सी रन करनी पड़ेगी। मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। काफ़ी ईजी प्रोसेसर है, कोई खास ऐसा परेशानी वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजीली अनइंस्टॉल हो जाता है। बट मतलब ये डायरेक्टली आप अपने फ़ोन से नहीं कर सकते हो, इसमें आपको लैपटॉप की नीड पड़ेगी, उसके थ्रू आप कर सकते हो। इनफैक्ट इसमें एक फ़ोन का भी ऑप्शन आता है जिसके, मतलब जिसमें आपको, आपके पास दो फ़ोन होने चाहिए, उसके थ्रू आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप PC से करो तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, तो इसके थ्रू आप कर लो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिए, उसके थ्रू कर लेना। जितने भी ब्लॉटवेयर्स हैं, जैसे कि आपका हॉट ऐप्स, हॉट गेम्स, जो सर्च का एक बटन आ रखा है इसी में, वो हटा देना, वो सारी चीज़ें रिमूव कर सकते हो। ब्राउज़र हटा देना, और भी गूगल के ऐसे ऐप्स हैं जो कि आपको नहीं चाहिए हो, वो आप रिमूव कर सकते हो। इनफैक्ट रियलमी के खुद के फिनशेल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, वो हटा देना, किसी भी काम के ऐप नहीं है ये। स्टोरेज के साथ साथ आपकी जो रैम है वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करके रखे हैं। साथ ही साथ स्पीड तो आपके फ़ोन की पता ही है आपको कि एकदम ड्रॉप हो चुकी है। तो जो भी ऐप आप अनइंस्टॉल करना चाहते हो वो उसके थ्रू कर सकते हो, और प्रोसेस देख लेना वो थोड़ा सा, मतलब इस वीडियो के बाद आप प्रोसेस देख लेना ताकि आपको इजीली वो समझ में आ जाए। होप करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में सारी सोशल मीडिया की लिंक्स दे रखी हैं, जा करके वहाँ पर भी पूछ लेना। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे आप टेक्स्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई आपको कर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।